चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे आईएएस और पीसीएस प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं और विस्तार से उनके आंसर बताए जा रहे हैं। तो इस तरह के हम लोग 11 टेस्ट अभी तक ख़त्म कर चुके हैं आपके, ये 12वां टेस्ट है आपका। और याद रखिए, इस तरह की आपकी जिस भी परीक्षा में क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए क्वेश्चंस जरूरी रहेंगे, फिर चाहे आपका MPPS हो, PSC हो, फिर चाहे आपका UPPCS, बिहार PCS, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कोई भी हो आपका एग्ज़ाम, या फिर आप EPFO देखते हैं, UPSC निकालता है, तो इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो एक बात और आप लोग याद रखिए, कई लोगों का कहना है कि मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, मुझे मालूम नहीं चलता है। तो याद रखिए, वैसे सुबह सुबह के टाइम आपका आता है टेस्ट, हर सुबह आपको यही टेस्ट मिलता है, शाम को आपका वनडे एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए टेस्ट आते हैं। तो एक बात और कर सकते हैं आप लोग, की बेल आइकन है जो, इसे प्रेस कर सकते हैं, इससे क्या होगा कि जो भी आपका लेक्चर आता है आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा इसका, ठीक है। और इससे पहले वाले सभी आपके टेस्ट टेस्ट सीरीज 4 IAS PCS के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची है उसमें डले हुए हैं, ठीक है, वहाँ जाकर देखते रहिए आप लोग। क्वेश्चन है हमारा पहला, कावेरी नदी की सहायक नदियों की पहचान कीजिए। कावेरी नदी की सहायक नदियों की पहचान कीजिए। हेमवती नदी, कावेरी नदी, अमरावती नदी, इंद्रावती नदी, इनमें से आपको बताना है कि कावेरी नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं। तो आप जानते हैं कि हेमवती नदी है, कावेरी नदी है और अमरावती नदी है, लेकिन इसमें जो इंद्रावती नदी है ये बिल्कुल सही नहीं है, ये तीनों इसकी सहायक नदियां हैं। पूछ के आ रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है, तो आप देखेंगे एक भी सही है इसमें, दो भी इसकी सहायक नदी है और तीन भी इसकी सहायक नदी है। वैसे सामान्य जानकारी अगर दे दूं कावेरी नदी के बारे में, तो कावेरी नदी को आप लोग दक्षिण गंगा कहते हैं, दक्षिण गंगा कहते हैं, कावेरी नदी को क्या कहते हैं, दक्षिण गंगा, दक्षिण की गंगा। और कावेरी नदी का उद्गम देखेंगे आप लोग कोडागु कुर्ग जिले के चेरंगाला गांव के निकट ब्रह्मगिरी रेंज पर ताल कावेरी में 1341 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, और उद्गम से स्थल से मुहाने तक की इसकी कुल लंबाई है 800 किलोमीटर। कावेरी बेसिन तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल से लेकर संगराज्य पुडुचेरी तक ये फैली हुआ है इसका। और इसकी अगर सहायक नदियों की बात करें कावेरी नदी की, तो हेमवती नदी देखेंगे, लक्ष्मण तीर्थ नदी भी देखेंगे, कावेरी नदी देखेंगे, सिमसा नदी भी देखेंगे, आर्कावती नदी देखेंगे, भवानी नदी देखेंगे, नौब्याल नदी और अमरावती नदी, ये इसकी सही सभी सहायक नदियां हैं। इंद्रावती अगर नदी की बात करें, इंद्रावती आपकी गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है आपकी इंद्रावती। गोदावरी के अन्य सहायक नदियां प्रवारा हो गया, पूर्णा हो गया, मंजीरा, प्राणहिता, सबरी, इसकी सहायक नदियां हैं। और याद रखिए जो गोदावरी नदी है आपकी, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। कावेरी को क्या कहते हैं आप लोग, दक्षिण की गंगा, और गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा। पता नहीं क्यों नाम ये अलग अलग बना दिया गया है, लेकिन आप देखते हैं कि ये इस तरह के जो भी आपका एग्जाम करवाते हैं वो इसे सही भी मानते हैं। तो दक्षिण की अगर गंगा पूछे आपसे तो कावेरी नदी लगाएंगे, और अगर आपकी दक्षिण भारत भारत जुड़ जाए बीच में दक्षिण भारत की गंगा, तो आप लगाएंगे गोदावरी नदी, ठीक है, याद रखिए। इसमें आप क्या सही लगाएंगे, 1, 2, 3, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, विभिन्न प्रकार के जनांकीय घनत्व और उनकी परिभाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विभिन्न प्रकार की जनांकीय घनत्व और उनकी परिभाषाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जनसंख्या घनत्व, कुल जनसंख्या अपॉन कुल भौगोलिक क्षेत्र, बिल्कुल सही बात है, इस तरह से आप जनसंख्या घनत्व निकालते हैं, कायिक घनत्व, कुल जनसंख्या अपॉन शुद्ध आवासीय क्षेत्र, ये आपका गलत है, कृषि घनत्व, कुल कृषि जनसंख्या और शुद्ध ज्योतयुग क्षेत्र, ये भी आपका बिल्कुल सही है। पूछ क्या रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही ढंग से परिभाषित किया गया है, तो आप देख रहे हैं कि एक भी सही है और तीन भी आपका, 1, 3 सही है, लेकिन दूसरा आपका गलत है। दूसरा गलत क्यों है उस पर भी बात कर लेता हूँ। आप जानते हैं कि कायिक घनत्व को कुल जनसंख्या और शुद्ध ज्योत क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है, कुल जनसंख्या, शुद्ध ज्योत
क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं कि कृषि योग्य भूमि के प्रति इकाई क्षेत्रफल में लोगों की संख्या इस तरह से निकाल सकते हैं, और बाकी दोनों ये सही हैं। ठीक है, तो इसमें वैसे आप लोग क्या लगाएंगे सही? बी ऑप्शन, एक ऑप्शन भी सही था और तीन कथन भी सही था, एक तीन सही था, दूसरा आपका गलत था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। अब यहाँ देखिए आप लोग, यह एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये सही जोड़ियाँ बनाते थे ना बचपन में हम लोग, उसी तरह की हमें बनानी है। ये जनसंख्या वृद्धि के कारण के चरण हो गए भारत में, और इसकी विशेषताएं हो गई है। चरण पहला, स्टेज पहला, 1901 से 1921 के बीच, इसे किस नाम से जानते हैं आप लोग? आप लोग जानते हैं अवरुद्ध जनसंख्या वृद्धि की अवधि रही है 1901 से 1921 के बीच की। ठीक है, दूसरा चरण आपका 1921 से 1951 का चलता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आप लोग स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि, यानी कि दो दो के साथ सही सम्मिलित करता है। चरण तीन की बात करें, स्टेज थ्री की, तो 1951 से 1981 के बीच का समय रहता है। इसमें आप देखेंगे जनसंख्या विस्फोट की अवधि रहती है। और जो चौथा चरण है आपका 1981 से वर्तमान का समय, इसे हम लोग गिरावट की प्रवृत्ति के साथ उच्च जनसंख्या वृद्धि की अवधि कहते हैं आप लोग। तो एक चार दो दो तीन तीन सॉरी तीन एक चार तीन, ठीक है, इसमें सही होगा। एक बार फिर उसे बता देता हूँ आपको, फर्स्ट चरण आपका चौथे से मेल करेगा, सेकंड आपका सेकंड से, थर्ड, ये थर्ड है, ये आपका फोर है, तो थर्ड आपका किसके साथ मेल करेगा? फर्स्ट के साथ। और चार जो चरण है ये आपका तीसरे के साथ करेगा। इसके बारे में कुछ और जानकारी भी दे देता हूँ। प्रवस्था या स्टेज एक, वर्ष 1901 से 1921 की अवधि के भारत की जनसंख्या की वृद्धि की अवरुद्ध अथवा स्थिर प्रवस्था कहा जाता है, क्योंकि इस अवधि में आप देखेंगे कि वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी, यानी कि जनसंख्या के बढ़ने की दर बहुत ही कम थी। यहाँ तक कि 1911 से 1921 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जनसंख्या में निगेटिव एक तरह से देखी गई है नेगेटिविटी। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचे थे इस समय, जिससे वृद्धि दर निम्न बनी रही, और निम्न कोटि की स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएं थी इस समय। अधिकतर लोगों में निरक्षरता थी, यानी कि कम पढ़े लिखे थे। भोजन और अन्य आधारभूत आवश्यकताओं का पर्याप्त वितरण इस अवधि में मोटे तौर पर उच्च जन्म और मृत्यु दर के लिए दोनों कारण थे। एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस समय मृत्यु दर भी उच्च था और जन्म दर भी लगभग था, लेकिन आप देखते हैं कि इसमें एक तरह से स्थिर रहती है इस समय। अगर द्वितीय चरण की हम लोग बात करें, स्टेज सेकंड की, तो ये आता है 1921 से 1951 का समय। इन दशकों के बीच जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। देश भर में आप देखेंगे स्वास्थ्य और स्वच्छता में व्यापक सुधार ने मृत्यु दर को तो नीचे ला दिया है, साथ ही साथ बेहतर परिवहन और संचार तंत्र ने से वितरण प्रणाली में भी सुधार आया है। फलस्वरूप आप देखेंगे कि आशोधित जन्म दर ऊंची बनी रही, जिसे पिछली प्रवस्था की तुलना में वृद्धि दर उच्च देखी गई। आप जानते हैं कि जब मृत्यु दर कम रहेगी, यानी कि मरने वालों की कम संख्या रहेगी, अच्छा खाना मिल रहा होगा, अच्छी सुविधा मिल रही होगी, तो जनसंख्या बढ़ेगी। ठीक है, और तीसरी अगर अवस्था की हम लोग बात करें, तो 1951 से 81 के बीच की बात की रही। इन दशकों में आप देखेंगे कि भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसी टाइम आपने बढ़ती हुई देखी होगी। यह देश में मृत्यु दर में त्वरित ह्रास और जनसंख्या के उच्च प्रजनन के कारण हुआ था, यानी कि मरने वालों की कम ही संख्या थी, लेकिन जनसंख्या एकाएक बढ़ने लगी, यानी कि जन्म कुछ ज़्यादा ही होने लगा इस बीच में, समझ रहे हैं आप लोग। और अगर चरण चार के बारे में बात करूं, 1981 से अभी जो वर्तमान की स्थिति है, तो इसमें जनसंख्या की वृद्धि दर यद्यपि ऊंची बनी रही, परंतु धीरे धीरे मंद गति से घटने लगी है। ऐसी जनसंख्या वृद्धि के लिए आशोधित जन्म दर की अधोमुखी प्रवृत्ति को उत्तरदायी मानते हैं। और याद रखिए, वैसे भी आप देखते हैं विवाह के समय औसत आयु में वृद्धि में जीवन की गुणवत्ता यानी कि बढ़ावत हुई है, स्त्री शिक्षा में सुधार भी हुआ है। सीधा सा कहने का मतलब यह है कि आज आप लोग देख रहे होंगे कि एक दो बच्चे रखना हर कोई पसंद करता है, और पढ़ा लिखा समाज हो चुका है,
तो वो समय खत्म हो गया है। लेकिन 1951 आप लोग 1951 से 1981 का समय देखेंगे, इस समय बहुत तेज़ी से हमारे देश में जनसंख्या बढ़ती हुई दिखाई दी। तो इनके बारे में याद रखिए, कई बार इनसे क्वेश्चंस बन चुका है और हमेशा पूछता रहता है आपका, तो इन सभी पॉइंटों को याद रखना है। 1-4-2-2-3-1-4-3 यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है हमारे सामने अगला, क्या है? भारत में महिला प्रवासियों द्वारा मुख्य रूप से किस प्रवसन की प्रवृत्ति का अनुसरण किया जाता है? यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाने की बात की जा रही है। भारत में महिला प्रवासियों द्वारा मुख्य रूप से किस प्रवसन प्रवृत्ति का अनुसरण किया जाता है? तो ये देखेंगे आप लोग ग्रामीण गाँव से गाँव की तरफ। वर्ष 2011 में भारत में कुल 315 मिलियन लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने मूल निवास से प्रवसन यानी कि पलायन कर दिया था। उनमें से आप देखेंगे कि 98 मिलियन लोगों को केवल पिछले 10 वर्षों में ही प्रवसन करना पड़ा। इन 98 मिलियन में से 81 मिलियन लोगों ने अपने राज्यों के अंदर ही प्रवसन यानी कि एक जगह से दूसरे जाना जगह गए। प्रवसन करने वाले लोगों में आप देखेंगे कि सर्वाधिक महिलाएँ शामिल थीं। ज़्यादातर महिलाओं को वैवाहिक प्रवसन के कारण अपने ही मूल निवास को छोड़ना पड़ा और अधिकतर उस समय देखा गया है कि अपने ही क्षेत्र में शादी एक राज्य में ही की जाती थी आसपास। ठीक है, तो इसमें आप लोग यही देखेंगे ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्र की ओर राज्य के अंदर या राज्य के बाहर होने वाले प्रवसन में सबसे ज़्यादा आपको महिलाएँ ही दिखेंगी। अगर हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर प्रवसन करने वाले की बात करें तो पुरुष इसमें अधिक देखेंगे, जो आर्थिक कारणों से आप देखेंगे अंतर्राज्यीय प्रवसन द्वारा प्रभावित होते हैं। ग्रामीण से शहरों की तरफ आप देखते हैं काम करने के लिए भी लोग जाते रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ग्रामीण बस्तियाँ अपनी आजीविका और मूलभूत आर्थिक आवश्यकताओं के लिए भूमि आधारित प्राथमिक गतिविधियों पर निर्भर होती है। ग्रामीण बस्तियाँ अपनी आजीविका और मूलभूत आर्थिक आवश्यकताओं के लिए भूमि आधारित प्राथमिक गतिविधियों पर निर्भर होती हैं। बिल्कुल सही बात है। केवल शहरी निवासियों को वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करने की दृष्टि से शहर आर्थिक गतिविधियों के केंद्र बिंदु होते हैं। ये आपका बिल्कुल गलत है। क्या पूछ रहा है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? एक कथन आपका सही है, दूसरा आपका गलत है। याद रखिए, पहले या तो इस पॉइंट को आप लोग पढ़ सकते हैं, उसके बाद कथन पढ़ सकते हैं, जैसा भी आपको सूटेबल लगे। लेकिन इस कथन को आपको बड़े अच्छे से पढ़ना है। इसी में आप देख सकते हैं आपसे पूछ रहा है सही कथन पूछ रहा है। अगर आपसे पूछ लेता कि गलत कौन सा है तो आपको केवल क्या लगाते? दूसरा गलत है। क्या है? दूसरा गलत है। तो इसमें सही पूछ रहा है तो केवल ए लगाएंगे, अगर आप देखिए गलत पूछता तो बी ऑप्शन लगाते। प्राथमिक व्यवसाय व्यापक भूमि उपयोग पैटर्न कम जनघनत्व परिवहन और संचार के धीमे और पुराने साधन कम आर्थिक विकास पारंपरिक जीवन शैली आपसी सहयोग की भावना कम प्रदूषित पर्यावरण ग्रामीण बस्तियों की विशेषताएं। ग्रामीण बस्तियों को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक आप देखेंगे क्लस्टर समुचित या केंद्रक के रूप में, दूसरा आप देखेंगे अर्थ क्लस्टर या बिखरी हुई, और तीसरा आप देखेंगे उप ग्रामीण, और चौथा आप देखेंगे पृथक बस्तियाँ यानी कि अलग बस्तियाँ। लेकिन जो शहर आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में कार्य करता है, आप भी जानते हैं शहर जो होते हैं ये आर्थिक विकास के रूप में काम करते हैं। शहर न केवल शहरी निवासियों के लिए बल्कि ग्रामीण लोगों को भी खाद्य पदार्थ और कच्चे माल के बदले वस्तुएँ और सेवाओं की आपूर्ति करते हैं, यानी कि ये ग्रामीण क्षेत्रों का भी ख्याल रखा जाता है इसके तहत। ठीक है, तो इसमें आपका दूसरा गलत था। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र का नाम संगपो है, बिल्कुल सही है। नामचा वरुआ पहुंचने पर ब्रह्मपुत्र यू टर्न लेते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ये भी बिल्कुल सही है। सेओक जास्कर और हुंजा ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, ये आपका गलत है। इसमें पूछ क्या रहा है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आप देखेंगे एक कथन भी आपका सही है और दूसरा भी आपका सही है, लेकिन तीसरा कथन आपका बिल्कुल गलत है। तीसरा बिल्कुल गलत क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं
अगर इसकी ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम सहायक नदियों की बात करें तो इसमें आप देखेंगे देबांग, लोहित, बूढ़ी, दिहांग, धनसिरी, ये बाएं तट से इसमें मिलती हैं। अगर दाएं तट की बात करूं तो इसमें कामेंग देखेंगे, सुबनसिरी देखेंगे, मानस देखेंगे, संकोच देखेंगे, ऐसी सभी आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। अगर इनकी सेवक जास्कर हुंजा की बात करूँ तो ये सभी सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, ना कि ब्रह्मपुत्र की। किसकी है? सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, इसलिए ये पॉइंट गलत था। ठीक है, अगर और भी अगर ब्रह्मपुत्र के बारे में जानना है तो आप जानते हैं मानसरोवर के निकट कैलाश पर्वतमाला पर चैम योंगडोंग ग्लेशियर में स्थित है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। यहाँ से पूर्व की ओर बहते हुए यह दक्षिण तिब्बत के शुष्क और समतल क्षेत्र में 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जहाँ इसे सांगपो के नाम से जानते हैं। क्या? सांगपो के नाम से। रंगो सांगपो तिब्बत में इसके दाएं तट की प्रमुख सहायक नदी मिलती है उसमें। यह एक अशांत और गतिशील नदी के रूप में मध्यमालय के पास नामचा वर्वा में गहरे गौज का निर्माण भी करती है, गहरे गोर्ज का निर्माण करती है। यह तलहटी से उबरकर यह दियांग के दिहांग के नाम से बहती है। वह भारत में अरुणाचल प्रदेश के सादिया शहर के पश्चिम से प्रवेश करती है। कहाँ? भारत में, अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ से दक्षिण पश्चिम में बहते हुए अपने बाएं तट पर दिबांग और लोहित नदियों से जल प्राप्त करती है। इसके बाद इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से हम लोग यहाँ जानते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे? सही, एक कथन भी आपका सही था, दूसरा कथन भी सही था, लेकिन इसमें तीसरा आपका कथन सही ना था, क्योंकि इसकी सभी ये जो नदियाँ नाम दिए गए हैं ये सिंधु नदी के सहायक नाम है, सिंधु नदी के सहायक नदियों के नाम है। क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से गंगा की सहायक नदी नहीं है जो नीचे दी गई है। तो इसमें आप जानते हैं कि सोन है गंगा की सहायक नदी है, महानंदा भी गंगा नदी की सहायक नदी है, और तिस्ता ये नहीं है, बेतवा भी है, बेतवा भी है। तो इसमें क्या ऑप्शन होगा? सी। हिमालय से निकलने वाली कई सहायक नदियाँ गंगा में आकर जुड़ जाती हैं। उनमें आप देखेंगे कुछ बड़ी भी हैं, जैसे आपकी यमुना हो गया, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, और कोसी भी हो गया। यमुना दीदी हिमालय के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गंगा के समांतर बहती हुई दाईं तरफ से प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। आप लोग जाते भी हैं वहाँ नहाने के लिए। घाघरा, गंडक, कोसी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है। कौन कौन सी? घाघरा, गंडक, कोसी नदी मुख्य सहायक नदियाँ जो प्रायद्वीप मैदानों से आती हैं। चंबल हो गई, बेतवा हो गई, सोन नदी हो गई, तिस्ता नदी आप देखेंगे तो गंगा की सहायक नदी नहीं है। तिस्ता गंगा की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछ रहा है? भारत की जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत की प्रथम जनगणना वर्ष 1861 में आयोजित की गई थी। बिल्कुल गलत है, इसके बारे में मैंने बड़े अच्छे से बताया भी था, हर जगह आपको बताता रहता हूँ, जिससे क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं और इस तरह से बनते हैं कि हमें फंसा के रख देते हैं और हम अधिकतर लोग गलत भी कर बैठते हैं। दूसरा है, प्रवसन संबंधी आंकड़े प्रथम जनगणना के बाद से ही दर्ज किए जा रहे हैं। ये आपका बिल्कुल सही है। पूछ क्या रहा है इसमें? उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आप देखेंगे दूसरा कथन सही है, पहला कथन इसमें गलत है। बता देता हूँ, एक बार अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए। पहला कथन इसलिए गलत है, अगर आपसे पूछे कि भारत की जनगणना में देश में प्रवास के बारे में जानकारी शामिल होती है, यानी कि यहाँ के लोगों के बारे में। दरअसल आप याद रखिए कि 1872 में आपके देश में जनगणना होती है, लॉर्ड मेयो के समय में। अगर आपसे पूछे कि नियमित जनगणना कब से होती है, तो 1881 से ये होती है, लॉर्ड रिपन के समय से। तो अगर आपसे पूछे कि जनगणना कब होती है, तो 1872 लॉर्ड मेयो के समय। और अगर नियमित जनगणना के बारे में आपसे पूछे तो आपको बताना है 1881 लॉर्ड रिपन के समय से। ठीक है, याद रखिए इस पॉइंट को। तो इसमें आप केवल
दूसरा कथन सही था, पहला गलत था, क्योंकि ये आपका कई बार स्टेट पीसीएस में पूछ लिया जाता है, वनडे एग्जाम में कई बार, एक बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है। तो आप लोग बड़े ध्यान से इसे सॉल्व किया करिएगा, क्योंकि कई बार आते हुए भी गलत कर बैठते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, पिछली सदी में भारत में आबादी की वृद्धि दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पिछली सदी में भारत में आबादी की वृद्धि दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, यानी कि हमें सही कथन बताना है। १९०१ से १९२१ की अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है, गलत है। वर्ष 1921 से 1951 के समय को जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है, ये भी आपका गलत है। वर्ष 1981 के बाद से अब तक की अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि के रूप में संदर्भित किया जाता है, ये भी आपका गलत है। वैसे आप लोगों ने याद होगा, आप लोगों को बड़े अच्छे से बताया भी गया था पिछले, आपके पिछले ये क्वेश्चन में कुछ आपने देखा है, कुछ क्वेश्चन पहले, तो इसमें आप लोग सही क्या होगा उसको भी बता देता हूँ। वर्ष 1901 से 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या की वृद्धि की अवरुद्ध अथवा स्थिर प्रवस्था कहा जाता है, स्थिर प्रवस्था कहा जाता है 1901 से 1921 की अवधि को, क्योंकि इस अवधि में आप देखेंगे कि वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी, और यहाँ तक कि 1911 से 1921 के बीच अगर आप देखें तो ऋणात्मक वृद्धि दर देखी गई, यानी कि लोगों की घटती संख्या देखी गई, समझ रहे हैं। और यहाँ से कहने का मतलब है, पता है आपको, दर जनसंख्या में बहुत फर्क होता है। दर का मतलब ये है कि आप समझिए कि आज आपकी वृद्धि दर चल रही है 20% की, ठीक है, आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि 18% की होने लगी, तो आप क्या कह देंगे कि नेगेटिव, मतलब बढ़ोतरी देखी गई है प्रतिशत में। तो यही बात की जा रही, जनसंख्या तो हमेशा बढ़ती रहती है लेकिन प्रतिशत के मामले में घटती रहती है। इस साल आप सोचिए कि 20% की वृद्धि की, अगले साल घट जाए 18% की वृद्धि रही, तो आप क्या कहेंगे कि इस समय नेगेटिविटी देखी गई है इसमें, नकारात्मक वृद्धि, ठीक है। दूसरी, अगर हम लोग दूसरी स्टेज की बात करें तो 1921 से 1951 के बीच के दशकों की जनसंख्या स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जानते हैं, जनसंख्या स्थिर वृद्धि के रूप में, ठीक है, ना कि विस्फोट के रूप में। और तीसरी अवस्था की बात करें तो 1951 से 1981 के बीच की दशकों की बात करें तो इसे हम लोग जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जानते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वृद्धि इसी समय देखी गई, इसी दशकों में, ठीक है। और जो चौथा चरण है आपका वर्ष 1981 से अभी तक का, इसमें आप देखेंगे देश में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची बनी रही परंतु धीरे धीरे मंद गति से घटने लगी है, अब पढ़े लिखे लोग हो चुके हैं, ठीक है। पहले भी बता चुका हूँ आपको, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, इसमें सही कथन बताना था, तो आपने देखा है कि कोई भी कथन सही नहीं था, तो आप क्या लगाएंगे, डी ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई सही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे सामने क्या है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित हैं, ए पुस्तक हो गई, रिपोर्ट हो गई, और लेखक आयोग हो गए आपके, पॉपुलेशन बम, थॉमस रॉबर्ट माल्थस, बिल्कुल गलत है, वृद्धि की सीमाएं, क्लब ऑफ रोम, ये बिल्कुल सही है, हमारा साझा भविष्य, पर्यावरण और विकास पर वैश्विक आयोग, ये भी आपका सही है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि 2 और 3 सही सम्मिलित है आपका, लेकिन 1 गलत है आपका। एक बात और याद रखिए, जनसंख्या के बारे में हम लोगों ने बड़े विस्तार से पढ़ा हुआ था एक क्लास में आपका, स्पेशल वीडियो फॉर ISBCS के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची होगी, उसमें आप लोग जाकर देख लीजिए, क्योंकि बहुत विस्तार से बात की गई है आपकी। और याद रखिए 2021 की जो जनगणना के अंतिम आंकड़े नहीं आ जाते हैं तब तक आपके इनसे क्वेश्चंस बनते रहेंगे, उसके बाद भी आप देखते हैं कि तुलना करने के लिए आते रहते हैं, तो आप जाकर देख लीजिए, वहाँ सब कुछ बताया गया आपको, बिल्कुल शुरू से बड़े सरल शब्दों में बताया गया। इसमें 1 गलत क्यों है आखिर, उसकी अगर बात करें
आप देखेंगे कि वर्ष 1968 में पॉल आर एनरिच के द पॉपुलेशन ऑफ पॉपुलेशन बॉम्ब किसकी है, ये है आपने देखेंगे पॉल आर एनरिच के की। और वर्ष 1982 में 72 में आप देखेंगे क्लब ऑफ रोम, क्लब ऑफ रोम ए के द लिमिट्स टू ग्रोथ के प्रकाशन के बाद विशेष रूप से पर्यावरणविदों और सामान्य लोगों के बीच भय के स्तर में वृद्धि भी देखी गई। इसमें इसने सतत विकास के विस्तारित वाक्यांश के तहत विकास के नए मॉडल के उद्भव का परिदृश्य भी तैयार किया हुआ है। ठीक है, तो ये देखेंगे आप लोग किसकी है पॉपुलेशन बम, ये है पॉल आर एनरिच की। ठीक है, बाकी दोनों सही थे आपके। इसमें क्या लगाएंगे आप लोग, 2 और 3 सही है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें, क्या करना है विचार करना है हमें। वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप को जालीनुमा अपवाह कहते हैं, गलत है। जब नदी किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है तो इस प्रकार की अपवाह तंत्र को हम लोग अरीय अपवाह कहते हैं, अफवाह कहते हैं, बिल्कुल सही है। पहला इसमें गलत है और पूछ क्या रहा है, उपयोग कथनों में से कौन सा कथन सही है, सॉरी सही नहीं है। अब देखिए यहाँ पूछ लिया ना सही नहीं है, तो आप क्या लगाएंगे, केवल एक सही नहीं है। और आज से पूछता कि सही है तो आप केवल 2 यानी कि बी ऑप्शन लगाते, यानी कि सही नहीं में हम लोग बड़े भ्रमित हो जाते हैं और गलत कर बैठते हैं। क्योंकि आप जानते हैं पेड़ की शाखाओं के अनुरूप अपवाह प्रतिरूप को हम लोग वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं, जैसे उत्तरी मैदान की नदियां आप लोग देखते हैं। तो याद रखिए पेड़ की शाखाओं के अनुरूप जो अपवाह प्रतिरूप होता है इसे हम लोग वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं, ना कि जालीनुमा अपवाह। ठीक है, और याद रखिए ये नदियों के बारे में बात की जा रही है, समझ रहे हैं आप लोग। जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समांतर बहती हों तथा सहायक नदियां उसमें समकोण पर मिलती हैं तो ऐसे प्रतिरूप को हम लोग जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। कैसे, जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समांतर बहती हों और सहायक नदियां उनके समकोण पर मिलती हों तो ऐसी प्रतिरूप को हम लोग जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कह देते हैं। जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित यानी कि मिलती हैं तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को हम लोग अभिकेंद्रीय प्रतिरूप कह देते हैं, अभिकेंद्रीय। ठीक है, तो इसमें आपका दूसरा सही था, एक गलत था, और इसमें पूछ रहा था सही नहीं है, तो केवल एक यानी कि ए ऑप्शन आप लोग लगाएंगे। क्वेश्चन है हमारे सामने अगला क्या है, सिंधु नदी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सिंधु नदी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। भारत में सिंधु नदी केवल जम्मू कश्मीर के लेह जिले से गुजरती है, यह आपका बिल्कुल सही है। चंद्रा और भागा दोनों सरिताएं मिलकर चेनाव का निर्माण करती हैं, केलांग के निकट तांडी में एक दूसरे से मिलती हैं, ये भी आपका सही है। ब्यास नदी भांगड़ा नांगल परियोजना की नहर प्रणाली को जल प्रदान करती है, ये आपका बिल्कुल सही है, ये आपका सही है। ब्यास नदी भांगड़ा नांगल परियोजना की नदी नहर प्रणाली को जल प्रदान करती है, ये आपका गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो एक कथन भी सही है आपका, 2 कथन भी सही है, लेकिन तीसरा आपका गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि सिंधु नदी की बहुत सी सहायक नदियां भी हैं जो हिमालय से निकलती हैं, जिसमें आप देखेंगे सेओ, गिलगिल, जास्कर, हुंजा, नुबरा, सिगार, गास्टिंग, बद्रास। अंततः यह नदी अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है, जहां दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें मिलती है, और सिंधु के दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य सहायक नदियों में आप खुर्रम देखेंगे, तोची देखेंगे, गोमल, बिबुआ, संगर, ये सभी नदियां भी सुलेमान श्रेणियों से निकलती हैं। ठीक है, याद रखिए पंचनद नाब आप पंजाब में देखते हैं, यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मेठनकोट से थोड़ा ऊपर पंचनद
जल पे बात का निर्माण भी कहती है। इस पंचनद नाम पंजाब की 5 मुख्य नदियों सतलज हो गया, ब्याज हो गई, ब्यास हो गई, रावी, चेनाब, झीलन, इनको दिया गया है आपका। और याद रखिए एक बात और अभी बता दूं आपको, आपने देखा होगा अभी हाल ही में आपने 2019 में आपने देखा है कि जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया है। तो याद रखिए आपका लद्दाख से भी ये गुजरती है और जम्मू कश्मीर दोनों क्षेत्रों से, ठीक है, तो याद रखिए इसे भी। अभी 2021 की जनगणना हो जाने दीजिए, उसके बाद जो भी आप सीटों का भी देखेंगे कि जम्मू कश्मीर को आपने देखा है विधानसभा मिली हुई है तो वहाँ कितनी सीटें दी जा रही हैं, क्या व्यवस्था रहेगी, ये हमें 2021 की जनगणना के बाद ही पता चलेगा, ठीक है, याद रखिए। सतलज नदी की अगर बात करूँ हम तो तिब्बत में मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है और भारत में प्रवेश करने से पहले यह लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समानांतर बहती है और रोपण में एक महाखंड से निकलती है। यह हिमालय पर्वत श्रेणी में सिपकीला से बहती हुई पंजाब के मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदी भी है क्योंकि यह भाखड़ा नागल परियोजना के नहर तंत्र का संवहन भी करती है, ठीक है। कौन सी? सतलज, ना कि ब्यास, ठीक है, बहुत हो गया, ठीक ठीक तो इसमें एक सही पूछ रहा था तो आप देख रहे थे कि 1 और 2 सही था, तीसरा आपका बिल्कुल गलत था। क्वेश्चन है आपका अगला, गंगा की सहायक नदियों में से कौन सी बाईं ओर से नहीं मिलती है? गंगा की सहायक नदियों में से कौन सी बाईं ओर से नहीं मिलती है? गंडक आपकी मिलती है, कोसी भी मिलती है, गोमती भी मिलती है, लेकिन सोन आपकी नहीं मिलती है। तो इसमें क्या लगाएंगे आप लोग? डी ऑप्शन। क्या है? डी ऑप्शन। कुछ समय पहले आपको बता भी चुका हूँ गंगा के बारे में बहुत कुछ पॉइंट। इसकी सोन नदी इसके दाहिने तट पर मिलती है, ठीक है, और बाएं तट की अगर हम बात करें सहायक नदियों की तो आप रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा ये सभी आपकी बाएं तट से मिलती हैं। आप जाते आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है गंगा, ठीक है। क्वेश्चन अगला हमारा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। कौन से युग्मों पर? ये है आपकी युग्म, ये आपकी नदी हो गई और ये स्रोत हो गए, यानी कि सही सम्मिलित हमें बताना है। क्या करना है? सही सम्मिलित बताना है। अलकनंदा, मिलाम हिमनद, बिल्कुल गलत है। सरयू, सत्वपंत हिमनद, बिल्कुल गलत है। ब्रह्मपुत्र, मापचा चुंगो हिमनद, ये भी गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही सम्मिलित है? तो आप देख रहे हैं तीनों गलत हैं, यानी कि कोई भी सम्मिलित नहीं है। आखिर सही क्या होगा उस पर भी बात कर लेता हूँ। अलकनंदा नदी का स्रोत आप देखेंगे कि बद्रीनाथ के ऊपर सत्वपंत, जो सत्वपंत हिमनद है यहाँ से निकलती है आपकी अलकनंदा। कहाँ से निकलती है? सत्वपंत हिमनद से, ठीक है। और अगर हम लोग शारदा या सरयू नदी की बात करूँ तो ये नेपाल हिमालय में आपको मिलाम हिमनद से निकलती है, मिलाम हिमनद से निकलती है आपकी, ठीक है। और यहाँ जहाँ आप देखेंगे गौरी गंगा के नाम से इसे आप लोग जानते हैं, और विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। इसका उद्गम आप देखेंगे कैलाश पर्वत श्रेणी में है मानसरोवर झील के निकट, चेमा योंग डोंग हिमनद। फिर से सुन लीजिए आप लोग, चेमा योंग डोंग हिमनद से निकलती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। इसमें आपका डी होगा, कोई भी सही सम्मिलित नहीं था आपका। क्वेश्चन है हमारे सामने अगला, आद्यता की परिघटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आद्यता की परिघटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना शुरू होता है उसे हम लोग वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, यानी कि जिस तापमान पर जल आपका वाष्प में बदलना शुरू होता है उसे हम लोग वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, बिल्कुल सही है।
वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की मात्रा को सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। ये आपका गलत है। जिस तापमान पर संतृप्तता घटित होती है उसे हम लोग ओशांक कहते हैं। ये आपका बिल्कुल सही है। पूछ क्या रहा है, सही उत्तर चुनना है हमें। तो एक और तीन आपका सही है, लेकिन दूसरा आपका गलत है, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता की प्रतिशत को हम लोग सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं, फिर से सुन लीजिए, दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता यानी कि उसके अंदर जितनी भी क्षमता है उसकी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता की प्रतिशत को हम लोग सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, याद रखिए। निरपेक्ष आर्द्रता की अगर बात करूँ तो वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प की वास्तविक मात्रा को हम लोग निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। तो इसमें आपका क्या सही था, सी ऑप्शन। एक भी सही था और तीसरा कथन भी आपका सही था। दूसरा आपका गलत था। दूसरा का क्या था, गलत था। बड़े ध्यान से इन कथनों को पढ़ा करिएगा, क्योंकि आप देखते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि सभी कथन सही हैं, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, वो फंसाने के लिए आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि आप भटक जाएं और गलत कर बैठें। एक तरह से प्रीलिम्स को आप कह सकते हैं कि ये छांटने वाला आपको ये चाहता भी नहीं है कि आप पास हो पाएं, क्योंकि आप देखते हैं लाखों लोग देते हैं प्रीलिम्स, तो सबको बाहर करने के लिए एक तरह से कठिन इस तरह का पेपर चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पर्वत का पौनाभिमुख ढाल जहाँ वर्षा नहीं होती है उसे कहते हैं हम लोग। पर्वत का पौनाभिमुख ढाल जहाँ वर्षा नहीं होती है उसे हम लोग कहते हैं वृष्टिछाया क्षेत्र। वृष्टिछाया क्षेत्र, जब आप देखेंगे कि संतृप्त वायु की सहती पर्वतीय ढाल पर आती है तो यह ऊपर उठने के लिए बाध्य हो जाती है। जैसे ही आप देखेंगे ऊपर उठेगी, यह फैलेगी और तापमान गिरेगा और आर्द्रता संग्रहित होगी यानी कि वर्षा शुरू होगी। और आप देखेंगे सर्वाधिक प्रकार से यानी कि वर्षा के पवनामुख ढाल पर सर्वाधिक वर्षा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और दूसरी तरफ आपको देखेगी कम वर्षा होगी उसे हम लोग वृष्टि छाया क्षेत्र भी कह देते हैं, यानी कि कम वर्षा वाला क्षेत्र कह देते हैं एक तरह से। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, समानांतर अपवाह तंत्र का विकास वलिस संरचनाओं पर हुआ है जहाँ कठोर चट्टानों के कटकों के मध्य में अभिनत घाटियाँ पाई जाती हैं। समानांतर अपवाह तंत्र का विकास वलित संरचनाओं पर हुआ है जहाँ कठोर चट्टानों के कटक के मध्य अभिनत घाटियाँ पाई जाती हैं। यह आपका बिल्कुल गलत है। क्या है, बिल्कुल गलत है। अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप में नदियाँ गुम्बदाकार संरचना के ऊपरी केंद्र से बाहर की ओर बहती हैं। ये आपका बिल्कुल सही है। क्या पूछ रहा था, सही कथन पूछ रहा था। तो इसमें आप देखेंगे केवल दो सही है। और एक बात और याद रखिए, आप लोग PDF से एक बार डाउनलोड करके इसे देख लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें हमने PDF बनाई उसमें आप बहुत गलतियाँ हो गई हैं। देखिए, एक पेज पर आपका पहला कथन आया हुआ है, दूसरे पेज पर आपका दूसरा कथन पहुँच चुका है। ऐसा कई क्वेश्चंस में देखा जा रहा है, तो आगे से हम ध्यान रखेंगे, लेकिन अभी आपको बड़े अच्छे से देखना है। पहला कथन गलत क्यों था उस पर अगर बात करें तो कई धाराएं कटक के दोनों किनारों पर विकसित होती हैं और अधोमुखी अवनत धाराओं से समकोण पर मिलती हैं। किस पर मिलती हैं, समकोण पर मिलती हैं आपकी। तो इसमें आपका केवल दूसरा कथन सही था, एक आपका गलत था, क्योंकि जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं तो इसे अरीय रेडियल प्रतिरूप कहा जाता है। अमरकंटक पहाड़ी से निकलने वाली नदियाँ इस अपवाह प्रतिरूप के अच्छे उदाहरण भी हैं। एक बात और याद रखिए इसमें कि आप जितने भी नदियों के द्वारा जो भी आकृति बनाई जाती है, जो भी प्रतिरूप बनाए जाते हैं, उन्हें भी याद रखना है आपको। और दूसरा, वायु के द्वारा आपकी जितनी भी आकृतियाँ बनाई जाती हैं, प्रतिरूप बनाए जाते हैं, उन्हें भी याद रखना है। हिमानियों और जितने भी इस तरह के प्रतिरूप बनते हैं उनसे आपके क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ कि हर साल पूछे जा रहे हैं आपके, तो बड़े अच्छे से ध्यान रख लीजिए।
अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, अधिवास भूगोल के संदर्भ में नगरीय समूह निम्नलिखित में से किन से संदर्भित है? अधिवास भूगोल के संदर्भ में नगरीय समूह निम्नलिखित में से किन से संदर्भित है? 50 लाख से अधिक आबादी वाले शहर, गलत है। एक शहर और उसके आसपास का नगरीय विस्तार, सही है। दो या दो से अधिक समीपस्थ शहर अपने बाह्य विस्तार के साथ या फिर उसके बिना, ये भी आपका सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है, तो आप देख रहे हैं कि दो और इसमें तीसरा आपका सही है, लेकिन पहला गलत है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि आप देखेंगे कि 50 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को हम लोग मेगा शहरों के रूप में जानते हैं। किसके? मेगा शहरों के रूप में। एक नगरीय समूह की बात करें, तीन संयोजन में से कोई एक हो सकता है, जैसे एक शहर उसके आसपास की शहरी आबादी, दो या अधिक निकटवर्ती शहर अपने नगरीय विस्तार के साथ या उसके बिना भी, एक शहर तथा एक या अधिक आसपास के शहर जो अपने विस्तार के साथ मिलकर एक संकुचित विस्तार का निर्माण कर सके, इन्हें भी शामिल किया जाता है आपका। और भारत में जो नगरीय समूह है, इस शब्द को भारत की जनगणना में परिभाषित किया गया है, भारत की जनगणना में। तो इसमें आपका दूसरा और तीसरा कथन सही था बिल्कुल, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन समाचारों में रही पद अल्टिमा थूले का सही वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन समाचारों में रही पद अल्टिमा थूले का सही वर्णन करता है? इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो करंट से इसके लिए जुड़े रहिए अच्छे से। मंगल अन्वेषण कार्यक्रम के अंतर्गत मंगल ग्रह पर खोजी गई एक बेहद शुष्क और अनुपजाऊ झील है, गलत। एक नया खोजा गया गुलाबी बौना ग्रह है, ये भी आपका गलत है। कुइपर पट्टी बेल्ट में अवस्थित एक छोटा बर्फीला पदार्थ है, ये आपका बिल्कुल सही है। हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन दूरदर्शी द्वारा पृथ्वी और मंगल के बीच ऐसा देखा गया है कि नया आकाशीय पिंड है, ये भी आपका सही है, सॉरी गलत है। इसमें आप केवल लगाएंगे सी ऑप्शन, क्योंकि आप देखेंगे अल्टिमा थूले है, ये आपका कुइपर पट्टी में अवस्थित एक छोटा बर्फीला पहाड़ को परिभाषित करता है, ठीक है। अल्टिमा थूले एक लघु बर्फीला पिंड पदार्थ है, इसे आपने देखा होगा कि नासा के न्यू हॉरिजॉन्स अंतरिक्ष यान द्वारा खोजा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ब्रिटिश सरकार ने भारत और दक्षिण एशिया में नाइट्रोजन प्रदूषण का अध्ययन करने के लिए एक शोध परियोजना की घोषणा की है। निम्नलिखित में से किन तरीकों से नाइट्रोजन पर्यावरण प्रदूषक के रूप में कार्य करता है? ब्रिटिश सरकार ने भारत और दक्षिण एशिया में नाइट्रोजन प्रदूषण का अध्ययन करने के लिए एक शोध परियोजना की घोषणा की है। निम्नलिखित में से किस तरीके या तरीकों से नाइट्रोजन पर्यावरण प्रदूषण के रूप में कार्य करता है? तो आप देखेंगे आधार स्तरीय ओजोन निर्माण और समताप मंडलीय ओजोन निर्माण, ये आपका गलत है। सुपोषण, ये भी आपका सही है। एक और तीन इसमें सही है, एक और तीन, दूसरा आपका गलत है। क्या है? दूसरा गलत है आपका। नाइट्रोजन प्रदूषण की उत्पत्ति रासायनिक उर्वरकों पशुधन खाद और जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले उत्सर्जन से होती है, नाइट्रोजन प्रदूषण की उत्पत्ति, ठीक है। और अमोनिया व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें खराब वायु गुणवत्ता में योगदान भी करती हैं और श्वसन और हृदय संबंधी समस्याओं में भी एक कुछ भागीदारी करती हैं, यानी कि इस तरह की बीमारियाँ भी आपको हो सकती हैं। जबकि नाइट्रेट ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो ओजोन परत को क्षति भी पहुँचाती है, लेकिन समतापीय मंडलीय ओजोन निर्माण नहीं करती है, ठीक है। तो इसमें आप लगाएंगे बी ऑप्शन, एक और तीन कथन बिल्कुल सही है आपका। एक तीन क्या है? सही है। सुपोषण पारिस्थितिकी तंत्र में संरचनात्मक परिवर्तन का कारण बनता है, जैसे कि शैवालों की वृद्धि और झीलों पर तालाबों में मत्स्य प्रजातियों की कमी आना,
इसके साथ ही झीलों तथा तालाबों के जल की गुणवत्ता में सामान्य गिरावट भी देखी जाती है। क्या होता है कि इसका प्रभाव देखा जाता है जिन क्षेत्रों में उनसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन? आवधिक श्रम बल्ब सर्वेक्षण PLFS रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आवधिक श्रम बल्ब सर्वेक्षण रिपोर्ट के संदर्भ में संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, यानी कि हमें सही कथन चुनना है। इस रिपोर्ट को राष्ट्रीय पितिदर सर्वेक्षण कार्यालय NSSO द्वारा संकलित किया जाता है। बिल्कुल सही है। यह प्रत्येक 3 माह की अल्पावधि में जानकारी प्रदान करती है, ये भी आपका सही है। यह शहरी क्षेत्रों में श्रम शक्ति की भागीदारी और रोजगार की स्थिति की गतिशीलता की माप करती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। यानी कि आपके तीनों कथन सही है, 1, 2, 3, ये तीनों आपके कथन बिल्कुल सही हैं आपके, क्योंकि आपने देखा होगा कि आवधिक जो श्रम सर्वेक्षण रिपोर्ट है इसे आपका राष्ट्रीय पितिदर सर्वेक्षण कार्यालय संकलित करता है, और इस सर्वेक्षण का उद्देश्य प्रत्येक तिमाही की अल्पावधि में श्रम बाजार की उपयुक्त जानकारी प्रदान करना होता है। इस रिपोर्ट श्रम बल भागीदार दर, श्रमिक जनसंख्या अनुपात, बेरोजगारी दर के संबंध में आंकड़ों की गतिशीलता का आकलन करती है इसके तहत। ठीक है, तो इसमें आप लगाएंगे तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि क्या लगाएंगे हम लोग, ए ऑप्शन सही है। उत्तर पुस्तिका में भी बड़े ध्यान से इस तरह की आंसर लगाया करिएगा। गांधी शांति पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह पुरस्कार व्यक्तियों के साथ साथ संस्थानों को उनकी राष्ट्रीयता पर ध्यान देने दिए बिना प्रदान किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। इस पुरस्कार में मौद्रिक अनुदान शामिल नहीं है, गलत है। वर्ष 2018 का पुरस्कार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो को दिया गया है, ये भी आपका सही नहीं है। इसमें आप देखेंगे कि केवल एक कथन सही है। क्या है? केवल एक कथन सही है। एक आप लोग याद रखिए, गांधी शांति पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों संस्थानों को दिया जाता है जिन्होंने अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन में योगदान दिया है। याद रखिए, अहिंसा आप भी जानते हैं, गांधी का अहिंसा का सिद्धांत आप सुनते रहते हैं, और गांधीवादी यानी कि वादी की मतलब होता है, वादी का मतलब होता है विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा। इससे अगर किसी ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन किए हैं, योगदान दिया है, तो उस व्यक्ति को या संस्था को दिया जा सकता है। व्यक्तियों को भी दिया जा सकता है और ए आपका संस्थाओं को भी दिया जा सकता है। आप देखेंगे कि महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में 1995 में भारत सरकार द्वारा इसे शुरू किया गया था। कब? 1995 में, जब 125वीं जयंती मनाई जा रही थी महात्मा गांधी साहब की। और गांधी शांति पुरस्कार राष्ट्रीय जाति, पंथ या लिंग के परे सभी व्यक्तियों के लिए खुला हुआ है, ये किसी से कोई भेदभाव नहीं करता है। इसमें देखिए, 1 करोड़ रुपये की राशि, प्रशस्ति पत्र, स्मारिका और साथ ही एक अति सुंदर पारंपरिक हस्तकला यानी कि हथकरघा भी वस्तु शामिल होती है आपकी। और याद रखिए, राशि इसकी बदलती रहती है, इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते हैं। आपको बता देता हूँ कि 2018 का जो दिया गया है, तो भारत और विश्व भर में कुष्ठ रोग उन्मूलन में योगदान के लिए द निप्पॉन फाउंडेशन के अध्यक्ष और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सद्भावना राजदूत योहेई ससाकावा को यह पुरस्कार दिया गया था 2018 का। किसे? जो सद्भावना राजदूत रहे हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के और द निप्पॉन फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं, योहेई ससाकावा। ठीक है, याद रखिए। तो इसमें आपका केवल एक कथन सही था, केवल एक। क्वेश्चन है हमारा अगला, समाचारों में रहे पद डे फिताई पबुक निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? समाचारों में रहे पद डे फिताई पाबुक निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? सरसों की संकर किस्मों से, वाहेग्रहों से, कछुए की प्रजातियों से, चक्रवातों से संबंधित हैं। अगर आप करंट से जुड़े रहते हैं तो मुझे लगता है कि आप देखते ही बता देंगे कि किससे संबंधित है।
ये है चक्रवातों से, ठीक है, चक्रवातों से, इस तरह के भी है। जब भी आप लोग देख पेपर देते हैं उस साल देखा, थोड़ा बहुत तो जुड़ा रहा करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा अगला, उन्हें शिक्षा की देवी, उनके प्रयास के लिए महिला सशक्तिकरण का एक सच्चा प्रतीक माना जाता है। वे भारत की पहली महिला स्कूल अध्यापिका और कन्या भ्रूण हत्या विधवाओं एवं गर्भवती बलात्कार पीड़ितों की हत्या को रोकने के लिए उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की थी। यानी कि ये पूरी जानकारी जो बताई जा रही है किसके बारे में कही जा रही है, तो मुझे लगता है कि आपको मालूम होना चाहिए, ये थी सावित्री फूले, सावित्रीबाई फूले, सावित्रीबाई फूले। ये सभी जानकारी किसके बारे में, सावित्रीबाई फूले के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, गैस हाइड्रेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गैस हाइड्रेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ये ध्रुवीय क्षेत्रों की उपमहासागरीय तलछटों और महाद्वीपीय शिल्प के अवसादों में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है, एक निश्चित तापमान व दाब पर मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैस हाइड्रेट के रूप में विद्यमान हो सकती है। ये भी आपका सही है, पूछ क्या रहा है, सही कथन पूछ रहा है। तो एक और दो, देखिए मैं कोई आप पर फोकस ज़्यादा नहीं डालूंगा, आप इस पॉइंट को भी पढ़कर पहले भी आप लोग पढ़ सकते हैं और बाद में भी पढ़ सकते हैं, जैसा भी आपको सूटेबल लगे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। गैस हाइड्रेट एक जल का एक ठोस बर्फ सदृश रूप है जिसमें गैस के अणु होते हैं। गैस हाइड्रेट तब बनते हैं जब मेथेन जैसी कोई गैस जल की क्रिस्टलीय अणुओं के संगठित पिंजरेनुमा ढांचे में फंस जाती है, ठीक है, याद रखिए। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। आप लोग बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहते हैं तो आप लोग पढ़ते रहिए और याद रखिए, इस तरह की आपके जो प्रतिरूप की आकृति बताई गई है इन्हें बड़े अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि कई बार पूछ लेता है, कई बार पूछ लेगा डेल्टा कौन नदी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी कौन नदी बनाती है, तो इस तरह की भी आपके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग 13वें टेस्ट में, ठीक है, तब तक एंजॉय करिए आप लोग।